नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम का एक आपको मैंने पहले बताया था कि नील जो रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड के मॉडल के जो फेलियर है उसका एक रीज़न था कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया था। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम अगर आपको याद हो तो मैंने ये कहा था कि अगर हम जो रेडिएशन है या जो लाइट होती है इसको प्रिज्म से पास कराते हैं और उस रेडिएशन को फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व किया जाए आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म, देन हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैंड्स मिलते हैं, उसे कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या है, ठीक है। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है इसमें हमें जो उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, आज मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये गैस का एक जार है, इस जार में हमने गैस ली और इस गैस को क्या किया, हमने हीट किया। जब हम इस गैस को हीट करेंगे तो इसके अंदर कुछ गैस के मॉलिक्यूल यहाँ होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे, कुछ ऊपर होंगे। जो गैस के मॉलिक्यूल बॉटम में हैं वो एनर्जी ज़्यादा गेन करेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा हीट होगी। जो ऊपर हैं वो थोड़ी एनर्जी कम करेंगे और ऊपर वाले और कम करेंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल हीट गेन कर रहे हैं इससे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो एटम नीचे है, जो मॉलिक्यूल नीचे है उसके एटम ने एनर्जी गेन की और एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में। जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ऊपर तक जंप करेगा। जिसने कम एनर्जी गेन की वो सेकेंड तक गया, जिसने और ज़्यादा एनर्जी की वो थर्ड तक गया, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो इसका ओरिजिनल स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं ग्राउंड स्टेट कहते हैं, और एनर्जी गेन करने के बाद जहाँ ये जंप करते हैं उसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, ठीक है। जो एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है विथ हायर एनर्जी, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन इन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, मीन्स उसके लिए स्टेबल स्टेट लोवेस्ट है, जहाँ पे वो पहले था। जो एनर्जी लेके गया वो एक्साइटेड है, वो अनस्टेबल होती है, ठीक है। जैसे कि आप जो है अगर आपको खड़ा कर दिया जाए चार माले की बिल्डिंग पर, तो वहाँ से आप नीचे देखेंगे आपको चक्कर आएंगे, डर लगेगा। बट ग्राउंड स्टेट में खड़े हो, ग्राउंड लेवल पे खड़े हो जाइए, नीचे देखिए कुछ नहीं लगेगा। तो हर चीज़ में एनर्जी अगर ज़्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी गेन कर हायर स्टेट में जंप किए हैं, ये अनस्टेबल होने की वजह से कुछ टाइम बाद ये वापस आते हैं। जब ये वापस आते हैं तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन कर ये हायर स्टेट में गए थे, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ये रेडिएट कर देते हैं, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करते हैं, उनकी वजह से हमें रेडिएशंस मिलती हैं। वो रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिसकी हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रॉन टर्न्स बैक, एनर्जी इज एमिटेड इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और उन रेडिएशंस की वजह से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। अब यहाँ देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट था, जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल जाने के लिए, फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड शेल की एनर्जी होती है -3.4 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक, मतलब फर्स्ट से सेकेंड पे आने के लिए इसे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी चाहिए। अगर आप 10.2 दे रहे हैं तभी इलेक्ट्रॉन सेकेंड पे पहुँचेगा। अगर आपने इससे कम दी, जैसे मान लिया आपने 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी, तो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी गेन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बीच में वो एनर्जी लेवल है ही नहीं। या फिर आप इतनी एनर्जी दो कि ये फर्स्ट से सेकेंड पे आ जाए, ये इतनी एनर्जी दो फर्स्ट से थर्ड पे आ जाए, फोर्थ पे आ जाए, बीच वाली एनर्जी वो गेन नहीं करेगा। इस वजह से क्या होता है कि जो एनर्जी ये सिर्फ एब्जॉर्ब करता है वही रेडिएट करेगा, और इसीलिए हमें जो है कुछ कलर ऑब्जर्व होते हैं और कुछ कलर ऑब्जर्व नहीं होते। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम पे, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम को दो पार्ट में ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है। एक होता है जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, और एक होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रीट और लाइन स्पेक्ट्रम। दोनों में डिफरेंस क्या है आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। सभी ने
इंडिया के फ्लैग सभी ने देखा होगा, इंडिया के फ्लैग पे तीन कलर हैं, तीन कलर की पूरी प्रॉपर पट्टियाँ हैं। मतलब आपको पता है कि इस लेवल से इस लेवल तक जो कलर है वो ग्रीन है, देन वाइट है, देन केसरी है। मतलब आपको पता है कि कलर यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक। और सभी ने रेनबो भी देखी है। रेनबो अगर आप ध्यान से देखी हो तो रेनबो में क्या होता है कि आपका एक कलर है वो कलर धीरे धीरे फेड होता जाता है और दूसरा उसी में से जो है निकलता जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये कलर है, फिर वहाँ से वहाँ तक दूसरा कलर। मतलब एक कलर धीरे धीरे फेड होता जाएगा और दूसरा फिर धीरे धीरे जो है वो डार्क होता जाएगा, ऐसे करके। मतलब एक पर्टिकुलर बैंड नहीं है जैसे हमारे फ्लैग में है उस तरह से। तो ये डिफरेंस है कंटिन्यूअस, जो फ्लैग वाला है वो डिस्क्रीट है, ठीक है, और जो आपका रेनबो वाला है वो कैसा है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूअस की नहीं बात कर रहे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि स्पेक्ट्रम कहते किसे। अच्छा, हर एलिमेंट का अपना एक फिक्स स्पेक्ट्रम होता है, फिक्स स्पेक्ट्रम होता है हर एटम का अपना, ठीक है बेटे। इसलिए स्पेक्ट्रम को फिंगर प्रिंट्स ऑफ एटम भी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम फिक्स है, या दूसरी कोई आप गैस ले लें, सबका अपना एक स्पेक्ट्रम फिक्स्ड है। जैसे हर बंदे की फिंगर प्रिंट्स होती है, सेम नहीं हो सकती किसी भी दो लोगों की, वैसे ही किसी भी दो एलिमेंट के स्पेक्ट्रम कभी भी सेम नहीं हो सकते। इसलिए हम स्पेक्ट्रम को फिंगर प्रिंट्स ऑफ एटम भी कहते हैं, फिंगर प्रिंट्स ऑफ एटम भी कहते हैं, और इसीलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो चीज़ है ये रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की थी और उनके फेलियर का एक बहुत बड़ा रीज़न था स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन ना करना, जो कि बाद में नील बोहर ने एक्सप्लेन किया और वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है स्पेक्ट्रम और किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो स्पेक्ट्रम है, देखिए इसके अंदर यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे जो है कुछ चीज़ें आपको वेव से कंसर्न होंगी, तो मैं वेव के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ। देखिए, ये आपके पास एक पूरी वेव है, राइट। ये जो हाईएस्ट पीक होते हैं इन्हें कहते हैं क्रस्ट, और ये डेप्थ इन्हें कहते हैं ट्रफ कहते हैं। हमें जो यूज़ करनी वो टर्म बताता हूँ। देखिए, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं वेव लेंथ। वेव लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट, टू कंजिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। एंड हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, एम्पलीट्यूड, ठीक है। थर्ड टर्म इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स, देखिए, ये इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक, मतलब एक कंप्लीट क्रस्ट एंड एक कंप्लीट ट्रफ, ये कंप्लीट बुलाकर पूरा एक साइकिल बनता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ सच साइकिल पासिंग पर सेकंड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट से कितने साइकिल ऐसे पास हो रहे हैं इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी को आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वी टाइप का, स्मॉल वी टाइप का होता है फ्रीक्वेंसी, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक टर्म और होती है वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में ऐसे कितने वेव प्रेजेंट हैं उस चीज़ को वेव नंबर कहते हैं, और ये रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ होता है, 1/λ, इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म्स आगे बताऊंगा सारी क्या क्या इसमें यूज़ होती हैं। खैर, फिलहाल यहाँ पे हमें वेव लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वेव लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, इसको वेव लेंथ कहते हैं क्योंकि आगे चीज़ें में हमारे काम आएंगी। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, क्या है कि कहा इन्होंने एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू 2 टू एन इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द एनर्जी एंड वेव लेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। इन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम एन इज इक्वल्स टू 2, मतलब सेकेंड लेवल से फर्स्ट लेवल पे जंप कर रहा है, तो हमें एनर्जी निकालनी है और वेवलेंथ निकालनी है जो रेडिएशन एमिट होगा उसके लिए। अब बेटे यहाँ पर देखिए, इसमें ये मैंने डायग्राम बना के समझाने की कोशिश की आपको, ये हमारा एक एटम है, न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल सेकेंड शेल। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड
orbit or second shell to first shell in hydrogen atom, then find the energy. अब देखिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जब फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल पर जाएगा तो ये एनर्जी गेन करेगा. कितनी एनर्जी गेन करेगा? जितना इन दोनों एनर्जी के लेवल का डिफरेंस होगा. ठीक है बेटे, वो एनर्जी गेन करेगा. और एनर्जी किसी भी शेल की निकालनी हो तो उसके लिए फार्मूला हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं EN इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यहाँ पर जेड क्या है? जेड है यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एन क्या है? शेल. ठीक है. अब क्योंकि क्वेश्चन में जो है हमें दिया है हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन का मतलब जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. आपको क्या निकालना है? दोनों शेल के एनर्जी लेवल का डिफरेंस. तो हमने क्या किया? E2 - E1. ठीक है, एनर्जी ऑफ द सेकेंड शेल माइनस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल. ऑब्वियसली क्योंकि सेकेंड की हाइयर होगी, फर्स्ट की लोअर होगी. हम डिस्कस कर चुके हैं जब बाहर जाते हैं एनर्जी बढ़ती है. तो अब यहाँ पर E2 क्या हो जाएगा? -13.6, क्योंकि हाइड्रोजन है, जेड की वैल्यू 1 और सेकेंड शेल में है तो एन की वैल्यू 2, तो इसलिए 2 का स्क्वायर आ जाएगा. -E1 13.6, अगेन जेड की वैल्यू 1, एन 1 का स्क्वायर. ठीक है बेटे, तो इसको पुट किया तो ये आ गया -13.6/4 +13.6/1. ठीक है, तो ये 13.6 और ये इसका डिवाइड बाय 4 करेंगे तो -3.4, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मींस जब इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड शेल से फर्स्ट शेल पे जंप करके आएगा तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये तो आ गया एनर्जी. अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप चाहें तो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है बेटे, कन्वर्जन फैक्टर होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई कर दें, जूल में आ जाएगी. ठीक है बेटे, कई बार आपको जूल में पूछ लेते हैं तो ये कन्वर्जन फैक्टर याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ठीक है बेटे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल. ये कन्वर्जन फैक्टर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में. खैर, उसके बाद हमें निकालना है वेवलेंथ. वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला है E = hc/λ. अब देखिए आपको निकालना क्या है? लैम्डा. अच्छा, यहाँ पर ये क्या क्या टर्म्स हैं? h को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.636×10⁻¹⁴ जूल सेकेंड. c वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, फिक्स वैल्यू है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड लैम्डा क्या है? लैम्डा होता है वेवलेंथ. लैम्डा है वेवलेंथ. अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई. एच की वैल्यू पुट कर दी 6.636×10⁻¹⁴. ठीक है बेटे, और हमने पुट की सी की वैल्यू 3×10⁸. एनर्जी है 10.2, इसको जूल्स में कन्वर्ट किया 1.6×10⁻¹⁹. इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए एक मेथड ये भी है कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हो. आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, ठीक है, तो आपने क्या करना है? ये फॉर्मूला यूज़ करना है. एच और सी की वैल्यू पुट करी मैंने तो E = 12375 लैम्डा होता है, बट यहाँ पर लैम्डा आर्मस्ट्रॉन्ग में होगा और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जैसे पिछले क्वेश्चन में जो अभी हम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी थी, पुट करेंगे तो आपको जो लैम्डा का आंसर मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ एनर्जी पुट कर दी, आंसर आ जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में. ठीक है, अब इस आर्मस्ट्रॉन्ग को आप चेंज कर सकते हो मीटर में, क्योंकि 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻¹⁰ मीटर, तो आपका आंसर मीटर में आ जाएगा. तो इस तरह से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए अभी हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें एनर्जी गिवन हो तो उससे हम वेवलेंथ निकाल रहे हैं. अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको वेवलेंथ निकालनी होती है, एनर्जी नहीं गिवन होती, सिर्फ ट्रांजिशन कहा होता है कि इससे सिर्फ ट्रांजिशन हो रहा है. तो आप चाहें तो इस तरह से एनर्जी निकाल के भी निकाल सकते हैं और चाहें तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं. एक और फार्मूला ड्राइव किया था रिडबर्ग ने, वो फार्मूला हमने यूज़ करना है और उसके थ्रू जो है हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, जैसे उसी फार्मूला, मतलब उसके लिए ट्रांजिशन में हम फार्मूला ड्राइव करते हैं. क्या है बेटा, यहाँ पर ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n = n₂ to n = n₁. मतलब वही सेम चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है. बच्चे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम n = n₂ सेकेंड शेल से टू n = n₁. अब यहाँ हम n₁ n₂ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें फार्मूला ड्राइव करना है, इसलिए हम n₁ n₂ की बात कर रहे हैं. ठीक है बेटे,
देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपके पास वही डेल्टा ई क्या है जो हम लेते हैं एनर्जी, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई एन टू माइनस ई एन वन, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई एन टू अपॉन ई एन वन, ठीक है, एनर्जी ऑफ द सेकेंड शेल माइनस एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल, ठीक है। अब डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ई का फॉर्मूला था एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है ना बेटे, डेल्टा ई जो है हमारा क्या होता है एच सी अपॉन लैम्डा। अब एनर्जी ऑफ सेकेंड शेल क्या है, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन टू का स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, एन टू सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन है, माइनस फर्स्ट शेल क्या हो जाएगा माइनस 13.6 अपॉन एन वन का स्क्वायर इंटू जेड का स्क्वायर, ठीक है बेटे। अब क्या करिए आप, देखो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये बन गया इस तरह से यहाँ पर, ठीक है बेटे, क्या फॉर्म हुआ भाई आपके पास 13 एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर, ठीक है बेटे, वन अपॉन एन वन स्क्वायर मैंने हमने 13.6 जेड स्क्वायर दोनों में था कॉमन निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट में क्योंकि हमें फार्मूला ड्राइव करना है, हमने एच सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, किधर राइट हैंड साइड एच सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखिए ये एच सी और ये एच सी कैंसिल कर दो तो यहाँ क्या बच गया वन अपॉन लैम्डा, और यहाँ क्या बचा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एच सी वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर। 13.6 अपॉन एच सी जो है, एच और सी दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, तो इसको एक नया नाम दिया गया आर, जिस साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च डिस्कवर किया था उनके नाम से। तो वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया आर इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में वन अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर। ये जो आर है इसे कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि ये फॉर्मूला दिया था रिडबर्ग साइंटिस्ट थे उन्होंने, ठीक है। तो आर कितना है 13.6 अपॉन एच सी, और इसको पुट करने पर इसकी वैल्यू मीटर में आती है 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये है आर की वैल्यू, राइट। तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बगैर एनर्जी कैलकुलेट किए, अगर आपको एनर्जी ना पूछी हो तो आप सिर्फ लैम्डा निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में वन अपॉन लैम्डा है, जो आप लैम्डा निकालेंगे तो यहाँ वन अपॉन आर हो जाएगा, तो इसलिए अगर आप ये वैल्यू इस डायरेक्टली याद रखें तो ज़्यादा बेटर है कि वन अपॉन आर इज इक्वल टू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, वन अपॉन आर 911 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला एक है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसे रिडबर्ग इक्वेशन कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग वेवलेंथ वेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ठीक है, और फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देन वी यूज दिस फार्मूला टू कैलकुलेट वेव लेंथ लैम्डा। देखिए बहुत काम की चीज़ लैम्डा आ रही है, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा जो है, अगला जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, उसमें वेव लेंथ का हम यूज़ करेंगे। तो अब देखिए क्या क्या है, कैलकुलेट लैम्डा फॉर हाइड्रोजन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम एन टू टू एन वन, सेकेंड से फर्स्ट पे आ रहा है हाइड्रोजन एटम में, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है वन अपॉन लैम्डा आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू, ये फॉर्मूला हमारा है, ठीक है, किसके लिए, वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए। हाइड्रोजन एटम है मीन्स जेड की वैल्यू वन हो गई, एन वन की वैल्यू वन है, एन टू की वैल्यू टू। अच्छा याद रखिएगा जो आप कई बार ना एन वन एन टू नहीं देंगे, कहेंगे फ्रॉम दिस टू दिस, तो हमेशा हायर वैल्यू एन टू की लेनी है, लोअर वैल्यू एन वन की, क्योंकि एन वन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और एन टू होता है जहाँ जहाँ से आ रहे हैं, इसलिए एन टू इज ऑलवेज हायर, ठीक है। तो ये जो है हो गया वन अपॉन लैम्डा आर, जेड की वैल्यू पुट कर दी, एन वन एन टू की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया आर 3/4, ठीक है। तो वन लैम्डा हो गया वन अपॉन आर इंटू 3/4, ठीक है बेटे, ये आ जाएगा आपके पास वन अपॉन आर 4/3, और यहाँ पे आएगा क्योंकि 4 - 1 3/4, जब 1/r लैम्डा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4/3, यहाँ आ जाएगा 4/3, ठीक है बेटे। तो ये सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ गई बेटा आपकी
1216 आर्मस्ट्रॉन्ग ये वैल्यू आ गई। ठीक है बेटे, ये किसकी वैल्यू आई है, ये आई है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। अब देखिए अगर हम ये देखें दूसरा केस, N2 हमने लिया 3, N1 लिया 1, मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड से 1 पे आ रहा है, तो क्या करना है, बस सेम 1/λ r z² 1/(n1)² - 1/(n2)² r 1/1 - 1/9 हो जाएगा, तो 3n की वैल्यू तो ये आ जाएगा 8/9, तो लैम्डा हो गया 1/r 9/8, r की 1/r की वैल्यू 9/8, ये आ गया 1026 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉन जब कहाँ से आया, फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट पे, थर्ड से फर्स्ट पे, फोर्थ से फर्स्ट पे, ठीक है बेटे, तो ये तमाम तरह के स्पेक्ट्रम्स मिलेंगे। मैक्सिमम कहाँ से आ सकता है भाई, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो वहाँ से वापस आ सकता है। जैसे हमने बात की थी ना कि अगर हम इतनी एनर्जी दें कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर ही निकल जाए, आयोनाइजेशन हो जाए, तो अगर इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है तो उसकी भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इस तरह से जो पैटर्न मिलता है उसको यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अब देखते हैं क्या है। ये है पूरा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बच्चों। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन सेकेंड से फर्स्ट पे आया तो वेवलेंथ क्या थी, 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग। जब आपका इलेक्ट्रॉन रिटर्न हुआ 3 से फर्स्ट पर तो आई 1026 आर्मस्ट्रॉन्ग, और अगर इन्फिनिटी से 1 पे आता है तो 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब कहने का ये है कि ट्रांजिशन जितनी बढ़ेगी वेवलेंथ उतनी छोटी होती गई। पहले छोटा ट्रांजिशन था भाई, पास से आया सेकेंड से 1 पे तो वेवलेंथ ज़्यादा है, जब इन्फिनिटी से आ रहा तो वेवलेंथ कम। ठीक है, इस तरह का पैटर्न मिलता है। ये हमने हाइड्रोजन के एटम के जो ऑर्बिट शेल हैं उनको स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट शेल है, n=1 कहते हैं, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे अप टू एन इन्फिनिटी शेल। ठीक है बेटे, तो ये जो पैटर्न मिलते हैं यहाँ पर एनर्जी बढ़ रही है। आपको पता है हमने बात किया था जो सबसे क्लोज न्यू ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, -13.6, देन -33.4, ऐसे करते करते इन्फिनिटी पे जो है वो ज़ीरो एनर्जी जाती है। आपको याद हो तो मैंने बनाया था मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होती है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ये जो पूरा पैटर्न ऑब्टेन हुआ इसे कहते हैं लाइमन सीरीज कहते हैं, नाम इनको दिया गया, ये साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो है इसमें N1 की वैल्यू 1। अब ये याद रखिएगा फॉर लाइमन सीरीज N1 इज ऑलवेज 1। N1 मीन्स जहाँ इलेक्ट्रॉन रिटर्न आ रहे हैं, एंड N2 इज 2, 3, 4 इन्फिनिटी, मतलब जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जो N1 है, ठीक है बेटा, N1 जब इसे मतलब ये आपका ग्राउंड लेवल है, अगर इलेक्ट्रॉन N2 से N1 पे आता है तो ऑब्वियसली इसे क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन। ये हो गई आपकी सेकेंड लाइन, ये हो गई थर्ड लाइन। ठीक है, कई बार सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट ऐसे भी दिया जाता है, तो अगर आपको फर्स्ट लाइन कहा गया हो लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। अगर सेकंड कहा गया होता फ्रॉम थर्ड टू फर्स्ट, ऐसे ही लास्ट लाइन क्या होगी, तो लास्ट लाइन होगी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम एन इन्फिनिटी टू N1। अगर इन्फिनिटी से 1 पे आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, लास्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज कहेंगे। तो लास्ट लाइन में कितना एनर्जी है, देखिए N1 की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है, 1, और N2 की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, इन्फिनिटी। तो 1/λ r z² 1/(n1)² - 1/(n2)² हाइड्रोजन है, z की वैल्यू 1 हो गई, N1 तो 1 ही आएगा, 2 इन्फिनिटी आएगा, 1/(n)² 0 होता है, तो लैम्डा क्या आ गया, 1/r 911 आर्मस्ट्रॉन्ग वेवलेंथ आ गई, जो हमने भी यहाँ प्लेस की थी। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम क्या है, लाइमन सीरीज का। ठीक है, ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन आपके रिटर्न आते हैं सेकेंड ऑर्बिट पर, थर्ड से सेकेंड पे, फोर्थ से सेकेंड पे, फिफ्थ से सेकेंड पे, इन्फिनिटी से सेकेंड पे, तो जो पैटर्न मिलेगा उसे कहते हैं बाल्मर सीरीज कहते हैं। बाल्मर सीरीज में N1 की वैल्यू क्या होगी, 2, क्योंकि सेकेंड पे इलेक्ट्रॉन रिटर्न आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन्फिनिटी से, इसे कहते हैं बाल्मर सीरीज। देन ऐसे ही अगर थर्ड पे रिटर्न आते हैं तो उसे पाश्चन कहेंगे, इसमें N1 3 होगा, N2 4 5 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है ब्रैकेट, ब्रैकेट में N1 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है,
ऐसे ही लास्ट है प्रीफंड कहते हैं, इसे फंड भी कहते हैं, पी साइलेंट कई बार इसको प्रोनाउंस करते हैं, फंड सीरीज, ठीक है। और लास्ट एक हैम्पी फेरी होती है, वो आपको सिलेबस में नहीं है, तो आपको लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट फंड सीरीज, ये पांच सीरीज हैं, ठीक है, जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है पूरा, ठीक है बच्चों। अब ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन से जो अर्थ पे रेज आती हैं इनको तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। इसमें अल्ट्रावायलेट होती है, इंफ्रारेड होती है एंड विजिबल, ठीक है। अब ये जो हमारे पास लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट हैं, ऑब्वियसली ये इनमें ही लाई करेंगे क्योंकि यही रेज हैं। तो अगर देखा जाए तो जो सबसे हाई वेवलेंथ वाली सीरीज है, जो 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग से 911 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच लाई करती है, वो लाई करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। उसके बाद वाले जो हैं बाल्मर सीरीज है, मतलब लाइमन लाई करती है अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर लाई करती है विजिबल में, और बाकी सारे जो हैं पाश्चन ब्रैकेट पीफन ये सारी लाई करती हैं किसके अंदर, ये लाई करती हैं आपकी इंफ्रारेड में। कई बार ये भी क्वेश्चन आपको स्पेशली पूछ सकते हैं कि जो ये अलग अलग रेज हैं या स्पेक्ट्रम है ये किस रीजन में लाई करते हैं, तो लाइमन अल्ट्रावायलेट, बाल्मर विजिबल, बाकी अदर सारे इंफ्रारेड में लाई करते हैं। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किसने स्टडी किया था, नील बोहर ने स्टडी किया था, ये याद रखिएगा कि ये नील बोहर का स्टडी किया हुआ स्पेक्ट्रम है। उसके बाद अब देखिए ये सब चीज़ें हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लैम्डा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन, सॉरी डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है। एच सी क्या है पता ही आपको, लैम्डा वेवलेंथ। अच्छा इसमें और दूसरा, अब यहाँ पर एच और सी तो कॉन्स्टेंट है, तो आप कह सकते हैं एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। इन्वर्सली मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी मिनिमम होगी, और वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट की हम बात करें, N1 पे हमने देखा था एनर्जी मिनिमम होती है फर्स्ट शेल में, आप बाहर जाओगे एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, तो एनर्जी जो है वो अलग अलग लेवल पे इंक्रीज़ होती है। N1 जो है इस पर मिनिमम एनर्जी होती है और N2 पे एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। ये सारी टर्म्स हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो है 911 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये कौन सी है, व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन था एन इन्फिनिटी टू N1, ठीक है। कहते इसे लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन है क्योंकि इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बट वेवलेंथ क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है। उसके बाद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होगा N2 टू N1, और इसकी कहती थी 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चों। अच्छा कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन और कर देते हैं, एक पूछते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या ट्रांजिशन, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन फोर से फर्स्ट पे आ रहा है तो आपको बताना है कि इसमें कितनी लाइंस मिलेंगी। अब देखिए हमारा ये फोर्थ है, ये फर्स्ट शेल है, तो इसमें कई सारे चीज़ें आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है फोर्थ से सीधा फर्स्ट पे आ रहा हो, बट ये भी हो सकता है फोर्थ से फर्स्ट पे, फर्स्ट से सेकंड पे, सॉरी फोर्थ से थर्ड पे, थर्ड से सेकंड पे, सेकंड से फर्स्ट पे आए, मतलब इस तरह से अलग अलग जंप करके आए। हो सकता है फोर्थ से सीधा सेकंड पे आ जाए फिर सेकंड से फर्स्ट पे आए, हो सकता है फोर्थ से थर्ड पे, थर्ड से सीधा फर्स्ट पे आ जाए, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है। लेकिन क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन आपका फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा तो उस केस में उसकी वेवलेंथ अलग होगी, इन केसेस में सब में अलग अलग वेवलेंथ होगी। रिपीट क्या हो रहा है, देखिए ये दो रिपीट हो रहे हैं और ये दो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो 6 लाइंस मिलेंगी। या इसके लिए सीधा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, N2 4 है, N1 1 है, पुट कर देंगे सीधा यहाँ से भी आप 6 लाइंस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं।